Hey, good evening. This is Akash here from the third episode of YCG Talk. और आज के हमारे सेशन में हमारे साथ है मिस्टर अवनीश कुमार सिंह जी, जिन्होंने अभी रिसेंटली UPPSC असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम क्वालिफाई किया है और इसके अलावा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो मिस्टर अवनीश सिंह जी, कैसे हैं आप जी? बस सब कुछ बढ़िया है, हम अच्छे हैं। तो आप हमारे साथ, काफी सारे हमारे एस्पिरेंट्स जुड़े हुए हैं जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनको अपने बारे में कुछ बताइए, अपनी बेसिक डिटेल्स के बारे में, और आपने अपनी स्कूलिंग, लाइक फ्रॉम वेयर डिड यू डू योर 10th और 12th? जी, मेरा नाम तो अवनीश कुमार सिंह है और मैं विलेज धुरीकोट चंदौली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। ओके। स्टेट उत्तर प्रदेश है मेरा। ओके। और 10th मैंने महर्षि अरविंद शिक्षण संस्थान से किया था, चंदौली से। ओके। और इंटरमीडिएट की पढ़ाई मैं उदय प्रताप पब्लिक स्कूल वाराणसी से किया था। आफ्टर दैट मैंने बीटेक किया सिविल इंजीनियरिंग में, आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गाजियाबाद, 2015 बैच। और उसके बाद मैंने एमटेक करी है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से, 2017 बैच में। ओके। तो अवनीश जी, आपने एग्जाम की तैयारी कब से शुरू की? मतलब ये यूपीपीएससी ए का एग्जाम और बीपीएससी का एग्जाम आपने दिया, तो इसकी तैयारी आपने कब से शुरू कर दी थी? तैयारी जैसे मैंने जब बीटेक में अपीयरिंग में था तभी से मैं गेट एग्जाम की तैयारी करता था। तो मेरा सिलेक्शन 2015 में बीटेक अपीयरिंग में ही गेट में हो गया था आफ्टर फाइनल ईयर। फिर मैंने एमटेक में एडमिशन लिया, तो एमटेक कंप्लीट होने के बाद 2017 से मैं तैयारी में था। ओके। तो आपने ये जो असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम क्वालिफाई किया है, यूपीपीएससी जिसको जनरली करवाती है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, और बीपीएससी का भी एग्जाम आपने क्वालिफाई किया, अभी आप बताए थे मुझे जैसा कि बीपीएससी का रिजल्ट आया है, और अभी आपको डिपार्टमेंट नहीं अलॉट हुआ है शायद बीपीएससी में, बट यूपीपीएससी के एग्जाम में आपको डिपार्टमेंट भी अलॉट हो गया। तो आप जितने भी व्यूअर्स हैं, जो भी देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, तो आप उनको बताइए कि आपने कौन से अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया एग्जाम और आपकी कौन सी रैंक थी? यूपीपीएससी का जो एग्जाम था, इसका ये 2019 का नोटिफिकेशन है, तो ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। ओके। और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का भी मेरा पहला ही अटेम्प्ट था। ओके। और यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन में मुझे 27th रैंक मिली थी, जिसके थ्रू मुझे PWD डिपार्टमेंट, जिसको के लोक निर्माण विभाग भी कहते हैं, पब्लिक, मुझे अलॉट। यस जी। और जिसमें मेरी 27वीं रैंक थी। ओके। और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में मेरी 146 रैंक है। ओके। उस वहां पे अभी डिपार्टमेंट नहीं अलॉट है, वो भी हो जाएगा जल्दी। ओके। तो आपने पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया, मींस बोथ द एग्जाम्स यू हैव क्वालिफाइड इन जस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट, तो इसके पीछे भी मेहनत भी बहुत होगी और कुछ स्ट्रेटजी भी आपने फॉलो की होगी, तो जो भी एस्पिरेंट्स है जुड़े हैं वो आपसे आपकी स्ट्रेटजी को जानना चाहेंगे, जिससे भी आगे चलकर वो भी कोई ना कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई करे, तो आपकी इस सक्सेस के पीछे की क्या स्ट्रेटजी थी? आप हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े उनको प्लीज शेयर करिए। तो सर, मेरी बेसिक स्ट्रेटजी होती थी जिसमें मैं मंथली, वीकली और डेली का टारगेट सेट करता था, जैसे सिलेबस कवर करने के लिए। तो जो मेरी डेली टारगेट्स होते थे उनके लिए मैं एक दिन पहले ही पेज पे, व्हाइट शीट ऑफ पेपर पे अपने टॉपिक्स और सब्जेक्ट को लिख लेता था कि मुझे इतना ही टारगेट नेक्स्ट डे पे कवर करना है, तो जिससे एक मुझे मोटिवेशन मिलता था और मेरा एक टारगेट रहता था कि मुझे इतना चीजें कंप्लीट करनी है, इतनी चीजें। ओके। और उसी उसको फॉलो करते करते मेरे वीकली टारगेट्स भी कंप्लीट हो जाते थे और फिर मेरे मंथली टारगेट्स भी कंप्लीट हो जाते थे इन स्ट्रेटजीज को फॉलो करते करते। उसके बाद मैं मल्टीपल रिविजन्स भी करता था,
जब भी एग्जाम आते थे उनसे दो तीन महीने पहले मेरे मल्टीपल रिवीजन स्टार्ट हो जाते थे। Okay. और किसी भी एग्जाम के लिए ये जरूरी है क्योंकि रिवीजन एक महीने में नहीं हो पाता है, दो या तीन महीने पहले एग्जाम के शुरू कर देना चाहिए रिवीजन। ओके। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सिलेक्शन के लिए वो है अपने खुद के शॉर्ट नोट्स। ओके। हर एक एस्पिरेंट को मतलब अपना एक शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए, मैं भी अपना बनाता था। और वो शॉर्ट नोट्स अच्छा तब होता है जब जैसे हम अपने सब्जेक्ट को दो या तीन बार कवर कर चुके हों। जब भी हम रिवीजन हमारी दो या तीन बार रिवीजन हो जाए तब जो है हम शॉर्ट नोट्स बनाएं, क्योंकि अगर हम पहले ही शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो फिर से हमारा एक नोट्स तैयार हो जाता है जो कि हम एग्जाम टाइम पे कवर नहीं कर पाएंगे एक हफ्ते पहले। Okay. तो मेरी स्ट्रेटजी यही होती थी कि दो या तीन महीने पहले मैं शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करता था अपने रिवीजन के टाइम पे, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, और वो चीजें ही शॉर्ट नोट्स में लिखता था जो चीजें मुझे भूलती थी दूसरे या थर्ड सेकंड या थर्ड रिवीजन के बाद, जो चीजें मुझे भूलती थी सिर्फ शॉर्ट नोट्स में वही चीजें मैं रखता था, जिससे मेरा शॉर्ट नोट्स बहुत छोटा होता था और एग्जाम के टाइम पे दो या तीन दिन में सारे सब्जेक्ट कवर हो जाते थे इस स्ट्रेटजी की वजह से। ओके। यही बेसिक। अवनीश जी ये बताइए कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया है तो आपने इसके लिए कहीं कोचिंग्स वगैरह भी ज्वाइन किया था कि सेल्फ स्टडी से आपका क्लियर हुआ है? जी मैंने कोचिंग वैसे करी है जब मैं बीटेक अपीयरिंग में था। ओके। तो मेड इजी का क्लासरूम प्रोग्राम मैंने गेट एग्जाम के लिए किया था। ओके। उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इन एग्जाम्स में तो मैंने सेल्फ प्रिपरेशन करी थी। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का मैंने सेल्फ करा था। Okay. बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन भी सेल्फ किया था। ओके। आपने सोर्सेस कौन-कौन से यूज किए थे एग्जाम की प्रिपरेशन के, ड्यूरिंग एग्जाम प्रिपरेशन? सोर्सेस में बेसिक बुक्स जो हम अपने बीटेक में पढ़ते हैं इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के। Okay. उन बेसिक्स बुक्स को स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करता था और मार्केट में कोचिंग के नोट्स अवेलेबल होते हैं। Okay. कुछ कोचिंग्स हैं जैसे मेड इजी है, आईएएस मास्टर है, इन कोचिंग्स के नोट्स अवेलेबल होते हैं तो इनके नोट्स को भी मैंने फॉलो करा था। ओके फाइन। अवनीश जी आप ये बताइए कि आपके एग्जाम आपने क्वालिफाई किया है तो इसके पीछे मॉक टेस्ट का क्या रोल था? जी मॉक टेस्ट का एग्जाम क्वालिफाई करने में काफी रोल होता है क्योंकि जब हम मॉक टेस्ट देते हैं तो हमें एग्जाम की जो एक्चुअल कंडीशन है कि हमारी प्रिपरेशन किस लेवल की है, किस टाइप के क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्या गलतियां कर रहे हैं, वो तो चीजें हम सीखते हैं मॉक टेस्ट से। और हमारे कौन कौन से टॉपिक्स नहीं कवर हैं क्योंकि मॉक टेस्ट में एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होती है वो भी इम्प्रूव होती है मॉक टेस्ट से। तो मॉक टेस्ट जरूरी है किसी भी एग्जाम के लिए, मॉक टेस्ट काफी हद तक यूजफुल होता है। ओके अवनीश जी आप ये बताइए कि आपके यूपीपीएससी एग्जाम में क्या स्कोर थे और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में क्या स्कोर थे आपके? जी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में हमारा रिटन एग्जाम 750 का था और 100 का इंटरव्यू था, तो 750 आउट ऑफ 750 मुझे 477 मार्क्स मिले थे रिटन में। ओके। एंड इंटरव्यू में मुझे 68 मार्क्स मिले थे। ओके। यस। 27th रैंक थी आपकी? 27th रैंक थी। ओके। और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में मेरे टोटल मार्क्स 502 थे। ओके। आउट ऑफ 850। ओके। तो सोशल मीडिया का क्या रोल था आपके एग्जाम प्रिपरेशन में? सोशल मीडिया जैसे कि आजकल जान ही रहे हैं आप कि बहुत ही ट्रेंड में है और ऑनलाइन स्टडीज के लिए लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं, तो आपके एग्जाम में सोशल मीडिया का क्या रोल था? सोशल मीडिया मैं एज अ मोटिवेशन यूज करता था, जैसे यूट्यूब पे मैं टॉपर्स की स्ट्रेटजी, डिफरेंट एग्जाम के टॉपर्स की स्ट्रेटजी सुनता था जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता था, उनकी उनके स्ट्रेटजी में जो भी मुझे लगता था कि इस स्ट्रेटजी को मैं फॉलो कर सकता हूँ
वो मैं फॉलो भी करता था उनकी स्ट्रेटजीज को। और पढ़ाई में जैसे जब मुझे टेक्निकल टर्म्स एंड डेफिनेशंस जैसे जो कई चीजें बुक में नहीं होती हैं, जो समझ में नहीं आती हैं जल्दी, तो उसको मैं यूट्यूब पे डायरेक्ट वो टॉपिक सर्च करके या तो NPTEL यूज करता था या अन अकेडमी के थ्रू भी मैं कुछ चीजें सीख लेता था। एंड विकिपीडिया पे बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन इमेजेस यूज करके मैं उनको अपने कंसेप्ट के तौर पर यूज करता था। क्वेश्चन है कि जैसे कि आप बीटेक किए हैं और आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं चाहे वो UPPSC का एग्जाम हो चाहे वो BPSC का एग्जाम हो, तो एक GS का सेक्शन जो रहता है वो बहुत ही हेरुकेलन टास्क रहता है, खास तौर से स्पेसिफिक फॉर द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इससे काफी दूर हैं। उन लोगों को शुरू से जब वो पढ़ रहे हैं तो उन लोगों को टेक्निकल नॉलेज दिया जा रहा है, लेकिन जब वो इस तरीके के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अपीयर होते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा टास्क होता है कि GS कैसे पढ़ेंगे। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि ये बोलते हैं कि सारी चीजें तो हो जाएंगी क्योंकि सारी चीजें उनसे उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहती है, बट ये जो GS वाला पार्ट रहता है वो उनके लिए बहुत बड़ा टास्क रहता है। तो ये ऐसे चैलेंजेस को आपने कैसे फेस किया था और आप क्या लोगों को सजेस्ट करना चाहेंगे कि GS की तैयारी किस तरीके से की जा सकती है, और आपने GS के लिए क्या क्या सोर्सेस का यूज किया था? GS एक चैलेंजिंग टास्क है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए। तो GS को कवर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, आप किसी भी एग्जाम को अगर आप देते हैं तो उसका प्रीवियस ईयर पेपर जरूर आपके पास होना चाहिए। प्रीवियस ईयर पेपर में हमें ये पता लग जाता है कि जो हमारे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है या किसी भी एग्जाम्स में, तो GS का जो सेक्शन है वो कहाँ पे क्वेश्चन हिट करता है, कहाँ से वो क्वेश्चन पूछ रहे, क्योंकि GS अंडर द स्काई सब कुछ GS है। Okay. तो सब कुछ हम नहीं कवर कर सकते, बट प्रीवियस ईयर पेपर को एक बेस मान के कि वो हमसे कितना डेप्थ ऑफ नॉलेज GS में चाह रहे हैं और क्या चीजें वो पूछना चाहते हैं, हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी कि एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का स्टूडेंट को कितनी GS कवर कर सकता है, क्या क्या चीजें आनी चाहिए, तो ये प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत अच्छा कवर कर सकते हैं। बाकी GS के लिए एक बुक आती है लूसेंट की। तो लूसेंट GK भी फॉलो कर सकते हैं, उसमें सारे सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं जो कि इंजीनियरिंग में पूछे जाते हैं। ओके तो बेसिक लूसेंट फॉलो करें, और प्रीवियस ईयर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है GS में, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के GS को देखा जाए। ओके सर, GS के लिए जैसे करंट अफेयर का पार्ट भी GS में एक्सेप्शन होता है, तो करंट अफेयर के लिए कोई भी जैसे YouTube पे बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल हैं, वहां भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने स्टडी IQ का 300 MCQ कोर्स लिया हुआ था। ओके उसके थ्रू 300 MCQ उनका मंथली आता है और वो काफी हेल्पफुल होता है करंट अफेयर्स के लिए हमारे इंजीनियरिंग एग्जाम्स में, तो उसको फॉलो कर सकते हैं करंट अफेयर पार्ट के लिए। और लूसेंट बुक्स हैं, प्रीवियस ईयर है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ओके अच्छा अवनीश सिंह जी, आप यूथ कंपटीशन टाइम्स को कब से जानते हैं? जी यूथ कंपटीशन टाइम्स को मैं 4-5 सालों से जानता हूँ। मेरे सीनियर्स, मेरे ब्रदर खुद के जो हैं ये लोग उससे जुड़े हुए हैं, तो यूथ कंपटीशन टाइम्स को मैं जानता हूँ, जो कि काफी अच्छी बुक्स और स्ट्रेटजीज इनकी होती हैं। ओके बहुत सारे मटेरियल्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो आपके एग्जाम में इनका कुछ कंट्रीब्यूशन था, आपने कोई बुक स्टडीज की थी यूथ कंपटीशन टाइम्स की? यूथ कंपटीशन टाइम्स की मैंने बुक तो नहीं स्टडी की थी, बट मेरे पास बुक्स थी और मैंने देखा था, बट मैं उसको नहीं फॉलो कर पाया था क्योंकि समय कम था एग्जाम में। बट मैं ये कहना चाहूंगा कि यूथ कंपटीशन की जो बुक्स हैं वो अच्छी हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। ओके और काफी कुछ मटेरियल अच्छा होता है उनका। ओके प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस अच्छे होते हैं। ओके मिस्टर अवनीश जी, लास्ट में आप हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं जो आपको सुन रहे हैं वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपनी
अपने एक्सपीरियंस क्या एक्सपीरियंसेस को शेयर करना चाहेंगे, क्या स्ट्रेटेजी को शेयर करना चाहेंगे, जिससे कि वो भी आगे चलकर कोई ना कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई करें? सबसे पहले तो मैं एस्पिरेंट्स को ये कहना चाहूंगा कि कुछ बेसिक चीजें हैं, जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में आने से पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, और थोड़ा पेशेंस भी रहना चाहिए। पेशेंस, क्योंकि पेशेंस बहुत, क्योंकि फेलियर आएंगे बट उसको ओवरकम करने के लिए पेशेंस ही एक ऐसी चीज है जिसको हम फिर से सर्वाइव कर सकते हैं हम, मतलब। और हार्ड वर्क है, कंटिन्यूटी है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। जैसे पढ़ाई करना है तो उसके लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। हम जब भी पढ़ाई करें तो डिसिप्लिन वे में, हमारा एक शेड्यूल होना चाहिए, बिल्कुल कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए, कंसिस्टेंसी बनी चाहिए, टाइम शेड्यूल होना चाहिए। और पढ़ाई के टाइम पे सोशल मीडिया और फोन ना यूज करें तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, ये एक ऐसा ये भी मिथ है कि लोग कहते हैं कि 15-15 घंटा, 20-20 घंटा पढ़ाई करना चाहिए, तो क्या ये सही है या फिर आपका इसके बारे में क्या कहना है? नहीं, जैसे मेरा तो ये है कि मैं 7-8 घंटे की पढ़ाई को काफी अच्छी पढ़ाई मानता हूँ, क्योंकि हम ह्यूमन है, मशीन तो है नहीं। okay. तो कंसंट्रेट कर पाना मुश्किल होता है। जैसे मैं यूज करता था अपनी स्ट्रेटजी, तो मेरा था कि 25 मिनट्स पढ़ने के बाद फिर मैं 5 मिनट का ब्रेक लेता था। okay. तो एक घंटे में मैं 50 मिनट्स का टाइम निकालता था, या तो 50 मिनट पढ़ने के बाद मैं 10 मिनट का ब्रेक लेता था, या 25 मिनट्स के बाद 5 मिनट का मैं ब्रेक लेता था, क्योंकि कंसंट्रेट करना फिर मुश्किल हो जाता है 25 और 50 मिनट के बाद। तो ये एक मेरी स्ट्रेटजी रहती थी जब भी मैं पढ़ाई करता था। तो मैं तो मानता हूं कि 7-8, और जो बहुत पढ़ना चाहते हैं तो 8-10 घंटे बहुत, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, हाँ, बट वो कंसंट्रेशन के साथ होना चाहिए, क्वालिटी स्टडी होनी चाहिए। क्वांटिटी में घंटे से मतलब प्रिपरेशन का कोई वो नहीं है कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं। okay. आपका टारगेट जो आपने सेट किया है दिन भर में वो अचीव होना चाहिए, डेप्थ ऑफ नॉलेज होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। और इसके लिए 7-8, ये डिपेंड करता है लोगों पे, बट 7-8 घंटे मेरा टाइम शेड्यूल था। ओके, ऑलराइट मिस्टर अवनीश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी स्ट्रेटजी को हमारे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो जरूर फॉलो करेंगे।